तो हेदस नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग दिख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल एक्सपर्ट। तो वैसे आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक लालटेन, सॉरी गाइस ये वाली नहीं, हम लोग जो है ये वाली लालटेन बनाने वाले हैं। और गाइस इसके जो है फीचर्स दो होंगे, क्योंकि गाइस हम लोग जो इससे एक पावर बैंक और गाइस एक जो है लाइट बनाने वाले हैं। तो गाइस इसको मैंने कैसे बनाया वो गाइस चलिए जान लेते हैं जल्दी से। और गाइस जितनी भी चीज़ों का मैंने यूज़ किया है उनकी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप लोग जो इनको परचेस कर सकते हैं, नहीं तो गाइस आप लोग जो इसको ऑफलाइन मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, जो है ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस कीजिएगा वैसे, क्योंकि गाइस जो है बहुत जो है कॉस्टली मिलते हैं जो ऑनलाइन। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स, आओ कुछ ना करें। गाइस अभी हम लोगों को जो यहाँ पर एक इतना बड़ा जो है पाइप मैंने जो यहाँ पर ले लिया है, इसको गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो है अप्रोक्स यहाँ पर जो है 2.5 इंची वाला जो यहाँ पर जो 2.5 इंची मोटा पाइप है यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। और गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है कुछ इस प्रकार का ये जो है पाइप है। तो गाइस आप सब लोग को जो है इसको जो है कुछ इस प्रकार जो आप लोग ले सकते हैं। और गाइस उसके बाद जो है हम लोग को जो इसको काटना है, तो गाइस वो मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस हम लोग को जिसको कहाँ कितना जो है काटना है। तो गाइस हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जो है 4 सेंटीमीटर जो है अप्रोक्स काट लेना है इसको। तो गाइस मैं जो इसको मार्क करता हूँ और गाइस एकदम जो है अच्छे से सीधा इसको जो है कट करता हूँ। पहले सबसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो इस पाइप को यहाँ पर कट कर लिया। और गाइस उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो इसकी दो कैप है जो मैंने इसको यहाँ पर कट किया है उसी पाइप की जो है पीवीसी सीट को बनाकर। तो गाइस सबसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके अंदर एकदम फिक्स आ जाएगी। और गाइस इसको हम लोग को जो है इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसको चिपका देना है। तो गाइस इसको चिपकाते हैं, गाइस उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग को जो है करना क्या है। तो गाइस सबसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो इस कैप को यहाँ पर लगा दी। और गाइस ये जो अच्छे से इसके ऊपर जो है फिट आ गई है। तो गाइस अभी उसके बाद जो है हम लोग को यहाँ पर जो है एक कट लगाना है, जो कि गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके जो है किसका कट हम लोग को जो इसके ऊपर लगाना है। तो गाइस इसके ऊपर जो है हम लोग को जो है कुछ इस प्रकार के जो है एक ऑन ऑफ स्विच को जो यहाँ पर लगाना है। तो गाइस इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक कट लगाना पड़ेगा, इसको जो है कट करना पड़ेगा। तो गाइस मैं जो इसकी मार्किंग करता हूँ और गाइस उसके बाद जो इसको कट करता हूँ। तो गाइस सबसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो इसको जो बटन है इसको मैंने लगा दिया। और गाइस सबसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोग को जो है यहाँ पर जो है एक 3.7 वोल्ट की जो बैटरी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो गाइस आप लोग जो है इसकी बजाय एक ही गाइस आप लोग जो है दो बैटरी इसको लगा सकते हैं। तो गाइस मैं जो यहाँ पर एक बैटरी का जो है यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। और गाइस ये जो है इसके अंदर जो फिक्स आ गई है। तो गाइस अभी हम लोग को जो है इस बैटरी में दो वायर्स को निकालना है। गाइस जैसे हम लोग को जो यहाँ पर दो प्लस वाली वायर्स को निकालना है और गाइस दो माइनस वाली वायर्स को निकालना है। तो गाइस सबसे पहले जो है इसके ऊपर सोल्डरिंग करते हैं और गाइस उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग को जो है इसमें क्या करना है। तो गाइस सबसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है दो दो वायर्स को जो यहाँ पर निकाल दिया। गाइस सबसे लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्लस के वायर्स को मैंने यहाँ पर दो प्लस की वायर्स निकाल दी और गाइस दो माइनस वाली जो यहाँ पर वायर्स निकाल दी है। तो गाइस अभी हम लोग करना क्या है, तो गाइस हम लोग को जो है इसको यहाँ पर रखना है इस बैटरी को जो इसके अंदर। गाइस हम लोग को जो एक प्लस वाला वायर जो है इस जो बटन लगाया हमने इसमें जो है कनेक्ट करना है। और गाइस दूसरी तरफ से हम लोग को जो है इस प्लस वाले वायर को यहाँ पर निकाल लेना है। और गाइस उसके बाद जो है हम लोग को आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है इस जो बटन से यहाँ पर जो है मैंने रेड वायर को यहाँ पर निकाल दिया। और गाइस एक जो है बैटरी वाला वायर मैंने इसमें लगाया और गाइस दूसरा वायर यहाँ मैंने यहाँ पर जो है इससे निकाल लिया है। और गाइस उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर जो है दो वायर्स को यहाँ पर अलग हटा देना है। और गाइस हमारे पास यहाँ पर दो वायर्स यहाँ पर जो है बचेंगे जिनमें गाइस अभी हम लोग को एक जो है पावर बैंक मॉड्यूल कनेक्ट करना है। और गाइस उसके बाद जो हम लोग को जो है यहाँ पर इसको जो है कट लगाने और गाइस इसको जो है फिक्स करना है इंस्टेंट ग्लू की मदद से। तो गाइस इसको भी कर लेते हैं। तो लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है इसको जो ऊपर वाला कैप है इसको मैंने लगा दिया और गाइस ऊपर से जो है इसको रफ कर दिया जिससे गाइस की जो है इसके अंदर जो है अच्छे से फिट हो गया। और गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है मैंने इन दो वायर्स को यहाँ पर जो है निकाल दिया है। तो गाइस उसके बाद जो है अभी हम लोग को एक यहाँ पर 1/2 इंच वाला जो है पाइप लेना है, जो कि गाइस लाइट फिटिंग वाला है या फिर गाइस आप लोग जो है नल फिटिंग वाला पाइप ले सकते हैं। और गाइस हम लोग को इसको यहाँ पर जो है इंस्टेंट ग्लू की मदद से जो इसको सेंटर में चिपका देना है। तो गाइस इसके बाद जो है सेंटर में चिपकाने के बाद हम लोग को जो है इस कैप की एक और की जरूरत पड़ेगी, इसको गाइस हम लोग को जो है स्टॉप पर लगाना होगा। तो गाइस सबसे पहले इसको भी लगा लेते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है पाइप मैंने इसके ऊपर जो है चिपका लिया है। और गाइस उसके बाद जो है अभी हम लोग को जो है कुछ इस प्रकार की जो है प्लेट की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो है कुछ इस प्रकार की आप लोग जो है प्लेट जो है मार्केट में मिल जाएगी इजीली। तो गाइस अभी हम लोग को जो है सबसे पहले जो इनको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। और गाइस यहाँ पर जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ पैरेलल में कनेक्ट कैसे करना है। गाइस प्लस 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 और गाइस माइनस 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 के जो है हम लोग को वायर्स को यहाँ पर जो है अच्छे से चिपका लेना होगा। और गाइस हम लोग जो है इसके जो है तीनों ओर हम लोग जो है कुछ इस प्रकार जो है सीधा जो है लाइट्स को इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस इसको भी कर लेते हैं। और गाइस उसके बाद जो हम लोग इसके ऊपर जो टॉप वाला कैप है उसको भी लगाएंगे। लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है कुछ प्लास्टिक जो है पीवीसी के जो पीसेस कट किए हैं। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ गाइस हम लोग को इनको यूज करना कहाँ है। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो एक
पीवीसी पाइप से यहाँ पर एक सर्कल काटा है। तो गाइस आप सब लोगों को जो है कुछ इस प्रकार का एक सीट बनाकर जो सर्कल काट लेना। और गाइस मैंने एक जो है यहाँ पर 6 mm का जो अंदर वाला वायर होता है ना उसको मैंने लिया है। तो गाइस अभी हम लोग जो है सबसे पहले इनका हैंडल बनाएंगे, क्योंकि गाइस अभी हम लोग को जो है एक जो ये हम लोगों ने इस प्रकार का एक स्क्वायर शेप का जो काटा है इसको हम लोग को ये इस तरफ लगाना होगा। उसके बाद जो हम लोग को ये इस प्रकार जो है इसके अंदर डालना होगा। उसके बाद जो हम लोग को एक जो है स्क्वायर वाला फिर से लगाना है। तो गाइस ऐसे ही हम लोग को दोनों तरफ लगाने हैं, उसके बाद गाइस हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है कुछ इस प्रकार जो यहाँ पर जो पीवीसी के पीस है उनको जो है लगा लिया है दोनों तरफ। तो गाइस आप सब लोगों को मैं जो यहाँ पर दिखा देता हूँ। और गाइस यहाँ पर जो हम लोगों ने जो बीच वाला ट्रायंगल शेप का था पीवीसी का जो सीट थी मैंने उसको यहाँ पर जो है फ्री रखा और गाइस इनको जो है स्टेडूल की मदद से चिपका दिया है। और गाइस उसके बाद जो है अभी हम लोग को यहाँ पर जो है इस वाले जो है जो सर्कल काटा था हम लोगों ने पीवीसी सीट से उसको गाइस हम लोग को रखना है। और गाइस जो हम लोगों ने फ्री रखा था उसको गाइस हम लोग को इसके ऊपर जो है कुछ इस प्रकार जो है स्टेडूल की मदद से चिपका देना है। तो गाइस इसको भी चिपका देते हैं। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो इसको भी चिपका दिया और गाइस ये जो है चीज चिपक गई है। तो गाइस अभी इसके बाद जो हम लोग करना क्या है, तो गाइस हम लोगों ने जो है इस लाइट को जो यहाँ पर बनाया था। तो गाइस अभी हम लोग को जो इसको यहाँ पर जो इसके सेंटर में अच्छे से चिपका देना है। तो गाइस इसको चिपका देंगे जिससे गाइस जो है यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का हमारा जो है एक स्टैंड टाइप का बन जाएगा जिससे गाइस हम लोग इसको उठा सकेंगे और गाइस यहाँ पर जो है अच्छा भी ये देखने में लगेगा। तो गाइस इसको भी इंस्टाग्राम की मदद से चिपका लेते हैं। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर जो इसको भी चिपका लिया। और गाइस उसके बाद जो है अभी हम लोग को एक जो है कुछ इस प्रकार की जो यहाँ पर एक पॉलिथिन की जो है सीट ले लेनी है जो कि गाइस थोड़ी हार्ड होगी। और गाइस इसको जो है आप लोग को जो है किसी भी जो है दुकान पर जो आप लोग को मिल जाएगी आसानी से जो है। और गाइस इसको हम लोग को जो इसके ऊपर जो है चिपकाना है। तो गाइस किस प्रकार चिपकाना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है हम लोग को इसको जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो है इसके ऊपर और गाइस ये ऊपर वाली जो सर्कल है इसके ऊपर हम लोग को जो है स्टेडूल की मदद से चिपकाना है। और गाइस चारों ओर जो इसको चिपका देना है। तो गाइस इसको भी चिपकाते हैं क्योंकि गाइस वैसे टाइम बहुत जाता है आप लोग चिपकाने में आप लोगों के सामने। तो गाइस मैं जो इसको अलग करके ही चिपका देता हूँ। तो गाइस इसको चिपका लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो इसके ऊपर जो है इस पॉलिथीन को लगा दी। और गाइस अभी हम लोग जो इसको टेस्ट करने वाली है जो है कैसी वर्क करती है। तो गाइस ये जो है आप लोग को स्विच दिख रहा है यहाँ पर जो गाइस मैंने जो इससे कनेक्ट किया है वाली जो एलईडी की स्ट्रिप से। तो गाइस जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो गाइस हमारे जो है जो एलईडी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस अभी जो है यहाँ पर थोड़ी सी लाइट जल रही है तो गाइस इसकी वजह से आप लोगों को जो इसका उजाला देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे गाइस जो इसका उजाला है वो बहुत ही अच्छा है। तो गाइस अभी इससे तो हमारा जो है एक काम हो गया। और गाइस उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस यहाँ पर जो हम लोगों ने पावर बैंक मॉड्यूल लगाया था तो गाइस जिसमें हम लोग अभी यहाँ पर जो है जो हम लोग डाटा केबल को लगाने वाले हैं। और गाइस उसके बाद जो है हम लोग जो है अपना फ़ोन यहाँ पर जो है चार्ज करने वाले हैं। तो गाइस अभी जो है मैंने जो यहाँ पर जो है डाटा केबल को यहाँ पर जो है फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। और गाइस उसके बाद जो है अभी मैं जो है जैसे ही इसको इसके अंदर लगाऊंगा तो गाइस हमारा जो है जो फ़ोन है वो चार्ज होने लगेगा। तो गाइस मैंने जो इसके अंदर लगाया और गाइस हमारा जो है जो फ़ोन है वो चार्ज होने लगा है। तो गाइस आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन यहाँ पर जो है चार्जिंग दिखा रहा है। तो गाइस आप सब लोगों को मैं यहाँ पर जो है बैटरी को जो है जूम कर जो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइस आप सब लोगों को यहाँ पर दिख तो रहा होगा हल्का हल्का जो है ग्रीन कलर की यहाँ पर हमारी जो है बैटरी हो चुकी है। तो गाइस मतलब ये हमारे यहाँ पर जो है चार्जिंग कर रहा है। तो गाइस हमारे जो है यहाँ पर जो है 2-in-1 जो है यहाँ पर ये जो है काम करता है। तो गाइस आप लोग जो है कुछ इस प्रकार जो है इसको बना सकते हैं। तो गाइस आप सब लोगों ने देखा कि हमारे जो है जो टॉर्च थी कितनी बड़ी वर्क कर रही थी। तो गाइस आप लोग जो इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है पावर बैंक भी था। तो गाइस आप लोग जैसे लाइट के साथ साथ आप लोग अपना फ़ोन या जो है और कुछ जो सामान होता है चार्ज करने वाला तो गाइस उसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मैं जो है आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस हमारे चैनल पर चल रहा है एक गिव अवे जिसमें गाइस आप लोग को जो है यहाँ पर जो है साइड में एक बार मैं फिर से फोटो दिखा देता हूँ आप लोगों की। गाइस ये जो है इस स्मार्ट बैंड का हम लोग जो है गिव अवे करने वाले हैं 2K सब्सक्राइबर्स पर। तो गाइस जल्दी से हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हम लोग को जल्दी से जल्दी 2K हिट करने हैं जिससे गाइस आप लोगों को में से जो है किसी एक को जो है मैं ये स्मार्ट बैंड दे पाऊँ। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आप लोगों के लिए मैं जो है इतने इतने अच्छे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत, बाय।